अज असी भारत की उस महान शख्सियत जेड़े साडे संविधान के निर्माता श्री डॉक्टर भीम राव जी अंबेडकर जिन्होंने भारत के संविधान की रचना की सो अज उन्हों का जन्मदिन सारे हिंदुस्तान वासियों को बड़िया खुशियां नाल सैलीब्रेट किया जा रहा है। सब तो पहले तो आज के शुभ दिन से मैं सारे शहर वासियों सारे पंजाब वासियों दिल दियां गहराइयां तो दिली मुबारकबाद दिना है। सो अज साडा सारे का फर्ज बनता है कि साडा जिहड़ा ये बड़ा कीमती संविधान है जिसने सारे हिंदुस्तान नूं एक माला च परोया जिन्हें हर एक हिंदुस्तानी नूं बराबरी के अधिकार दिते है। सो मैं समझना साडा फर्ज बनता है कि सानू सारे नूं रल के इस संविधान नूं संभाल के रखना चाहिए है। देश की एकता ते अखंडता वास्ते सानू हमेशा कायम रहना चाहिए है। सो साडी कांग्रेस पार्टी हमेशा देश लई देश की एकता ते अखंडता लई हमेशा तैयार रहती है। देश की आजादी लई भी साडी कांग्रेस पार्टी का सब तो वड्डा योगदान रहा है। सो अज सारे साडे कांग्रेसी वर्कर सारे देशवासी अज उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट कर रहे हैं। तो मैं फिर एक बार सारे मुबारकबाद दिना आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संघर्ष में ही गुजरना है तो गुजर जाए सारा जीवन, पल पल में जालमों से समझौता ये मेरे बस की बात नहीं। हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी ने जालमों से लोहा लिया है, लड़ाई लड़ी है देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए, हमेशा योगदान दिया है। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की सोच पे जब तक हम चलते रहेंगे ये देश तरक्की करेगा। बाबा साहब का संविधान हम सबको बराबरी का अधिकार देता है। आज देश के संविधान को और देश को लोगों को इकट्ठा रखने की ज़रूरत है। आज हमारे बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से हमारे महाराष्ट्र से खास तौर पे आए हुए मानकराव ठाकरे साहब हमारे बीच में हैं और मैं इनका स्वागत करता हूं, तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के दिन को पूरा देश मना रहा है। एक महीने की कारगुजारी किस तरह देखते हो जी? मैं महसूस करता है कि ये अनाड़ियां दे हाथ ये जड़ी है सरकार। मैं तुहानू एक गल कहां जेकर किसी दे हाथ उस तरह फड़ा दे तो की करेगा बंदा भाई। लेकिन मैनू इदां लगता है कि वो अनाड़ी है, उन्होंने कोई समझ है नहीं। आज किसान मंडिया च रुल रहे हैं, आज लोग 300 यूनिट बिजली नू वेट कर रहे हैं, आज 1000 रुपया भैना वेट कर रही हैं। नौजवान जड़े है वो महसूस करते हैं कि सानू कदों महंगाई पत्ता मिलेगा, कदों नौकरियां मिलनगियां। और मैं एक गल कह कहंगा कि सरकार को चाहिए है कि सीरियस होना चाहिए है और सीरियस होकर काम करना चाहिए। जाखड़ साहब ने जो कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट है उसको लेकर बड़ा विरोध किया जा रहा है। मैं तुहानू एक गल कही है कि क्योंकि जाखड़ साहब ने पहले इस गल से माफ़ी मांग ली है और पार्टी ने भी संज्ञान लिया है। जब तक पार्टी ने संज्ञान लिया है और ये इससे किसी का भी बोलने का अधिकार नहीं, पार्टी जो भी फैसला करेगी सब तक जांच शामिल किया गया ईडी वालों। मैं एक गल कहवा कि अगर कानून अनुसार उन्होंने किसी को पूछगिछ करनी है तो पूछ लैन, कोई दिक्कत नहीं है सानू। लेकिन असं कहने कि बदले की भावना के नाल किसी भी तरह की कोई भी अजिही कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और असी वाच करांगे देखांगे। मैं तुहानू कहा कि असी वाच करांगे असी देखांगे कि ईडी जिहड़ी है वह किस सबूत सामने लैके आती है, उन्होंने कोल की इदां दी कार्रवाई है। अगर चरणजीत सिंह चन्नी होरां नूं कानून अनुसार पुछगिछ कर रहे हैं तो सानू इतराज नहीं। अगर उन्होंने नजायज़ तौर पर परेशान करेंगे तो कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करेगी। डॉक्टर साहब अतवादियों वालों